थैंक्स। चलिए, हमने कहा था कि हम कल बात करेंगे कन्वर्सेशन की, तो आज हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि कन्वर्जन होता क्या है। एज यू नो डैट द कंप्यूटर एक्सेप्ट ईच वैल्यू इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। जब भी हम ये आप सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स है वो केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, वो जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। लेकिन वो कैसे अपने जैसे हमने 36 दिया, तो ये 36 कोई बाइनरी नंबर थोड़ी है, लेकिन वो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जब वो CPU हमारा उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तब हमारा जाकर के कहीं बाइनरी डिजिट्स में उसके पास पहुंचता है। तो वो कैसे पहुंचता है? वी नीड अ कन्वर्टर, ठीक है, हमें नीड होती है कन्वर्टर की, ठीक है। तो जो हम डेटा एंटर्स करते हैं तो वो बाइनरी नंबर्स में कंप्यूटर्स के पास जाता है। तो कैसे जाता है? ठीक वही कन्वर्जन है। तो हम पहला कन्वर्जन की बात करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स कन्वर्ट 18। ये 18 है, ये आपकी डेसिमल नंबर्स है। अब अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड करने का एक तरीका होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। 18 को आपने डिवाइड किया LCM की तरह, हम इसको डिवाइड करेंगे। LCM आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 18, बचा कितना? 0। तो वो 0 हम इस वाले डंडे के सामने लिखेंगे, इस वाले एरो के सामने लिखेंगे 0, ठीक है। आप बुक के तरीके से मत देखिए, आप इधर देखिए। 2 9 18, बचा कितना? 0। फिर हमने इसको 2 से काटा, 2 4 8, बचा कितना? 1। तो 1 यहाँ पर, राइट। अब 2 4 2 2 4, बचा कितना? 0। तो 0 यहाँ पर, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, बचा कितना? 0। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 1 से लेकर के और यहाँ तक के डिजिट्स को आपको काउंट करना है। लिखेंगे कैसे? पहले ये वाला नंबर्स लिखेंगे, राइट, यानी राइट हैंड पर ये आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 1 0 0 1 0, और ब्रैकेट बंद, और इसका बेस लगा दो 2, क्योंकि अब ये हो गया बाइनरी नंबर्स। समझ आ गया ये किसके बराबर होता है? तो आप कह सकते हैं कि ये 18 नंबर्स के बराबर होता है, 18 डेसिमल्स के बराबर हमारा 10010 जो मान होता है वो 18 का होता है। तो ये तो था हमारा डेसिमल टू बाइनरी, कि हमने डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया। यदि अगर मैं आपसे कहूँ कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो सपोज़ करो यही नंबर्स है ना, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? अब ये बाइनरी में है, अब आपको इसको डेसिमल में करना है, तो बाइनरी टू डेसिमल क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। आपको कुछ नहीं करेंगे, फिर आप इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले आप कुछ नहीं करेंगे, ये 0 लिखेंगे, इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे 0। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। 2 इसका बाइनरी का बेस होता है, ये पहली पोजीशन पर है। देखिए, फर्स्ट जैसे हम 1s 10s काउंट करते हैं ना, इस तरीके से हम काउंट करते हैं, तो पहली पोजीशन होती है 0। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे नंबर पर है हमारा 1, तो 1 की गुणा करेंगे, 2 बेस होता है, लेकिन इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0 थी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1, तो 2 की पावर 1, ठीक है। ऐसे थर्ड नंबर पर पहुँचेंगे, तो थर्ड पर लिखा है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। फिर ये वाला 0, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, फिर ये वाला 1, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक है, समझ आ रहा है? 0 1 2 3 4, यही तो पोजीशन है। चलिए, 2 की पावर 0 का मान मैंने बता दिया, कोई भी नंबर्स हो उसकी पावर अगर 0 है तो कंप्यूटर्स में उसका मान कितना होगा? 1। 1 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। फिर 2 की पावर 1 है तो 2 1 जा 1 और 2 1, मतलब ये हो गया 2 2 1 जा 2। फिर 2 2 जा 4, 4 तो हो गया, लेकिन 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना हो गया? 16 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो हो गया 16, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सबको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड। 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो ये हमारा 18 आ गया, समझ आ गया। ये तो था बाइनरी टू डेसिमल, ओके, ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? सेम हेयर। अगर मैं आपसे कहूँ डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल का बेस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है, 8 बेटा। कितना होता है? 8। चलिए, सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है, 100,
27, ठीक है। अब आप इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे, ये डेसिमल नंबर है, ऑक्टल में चेंज करेंगे तो ऑक्टल का बेस होता है 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जा 1, कितने बचे 4 इधर आ गए, तो 8 5 जा 40 और ये हो गया 47, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 7 यहाँ पर लिख दो, 8 से फिर काट लो, 8 बन जा 1, कितने बचेंगे 7। अब ये नहीं कटेगा राइट, ये डिवाइड नहीं होगा, 1 आ गया। चाहो तो आप इसको एक बार और लिख लो, 8 का पहाड़ 1 में पड़ेंगे, नहीं जाने का 0, ये 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। बस अब आपको यहाँ से इस 0 से शुरू करना है और यहाँ तक ले जाइए, 0177 का मतलब है 177 यानी 177, ठीक है, तो 177 इसका आंसर हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा बेस 8, तो ये ऑक्टल नंबर्स हो गया, ठीक है। अब ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्टल नंबर को डेसिमल में देखिए बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल नंबर है हमारे पास 177, ठीक है, ऑक्टल है, इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, ऑक्टल का बेस हमें पता है 8 होता है, कुछ नहीं करना, जैसे हमने बाइनरी को किया था वैसे इसको करेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 राइट, ठीक है। फिर ये हमारा 1 पोजीशन पर है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 8 की पावर 1 से हो जाएगी, ये हमारा 1 आएगा, तो ये हमारा 2 पोजीशन पर है, तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी 2, चलिए 8 की पावर 0 का मान 1, 1 और 7 की गुणा करी तो 7, 8 बन जा 1, ठीक है, और 8 से बन जा 56, तो ये हो जाएगा हमारा 56 राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ 8 2 64, 8 जा 64, 64 बन जा 64, इन सबको ऐड कर लो तो 7 और 6 13, 13 और 4 7, 7 का 7 कैरी 1, मतलब 7 6 13 और 4 17, 17 का 7 कैरी 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 11 और 1 कितना हो गया 12, तो देखिए ये हमारा सही हो गया कि नहीं, 11 और 1 कितना हो गया 12 हो गया, तो 127 आ गया, यही नंबर तो हमारा डेसिमल में था जब हमने अभी इसको ऑक्टल में चेंज किया था, और ऑक्टल से हमने डेसिमल में किया तो ये हमारा चेंज हो गया। तो अब आपको मैंने 2 कन्वर्जन सिखा दिए हैं, ठीक है, 2 कन्वर्जन सिखा दिए हैं, एक आपको मैंने सिखा दिया डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल, और उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल, यानी कि आपके 4 सिखा दिए, हेक्साडेसिमल बचा, हेक्साडेसिमल को हम कल बात करेंगे, हेक्साडेसिमल की किसकी बात करेंगे कल बात करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपको अपने घर से होमवर्क में करने हैं, ठीक है, होमवर्क में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और नंबर चेंज करके दे रहा हूँ, तो वो आपको उसी में चेंज करने हैं, ठीक है, चलिए ये आपके 4 हैं, ठीक है, 4 हैं, 4 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस आप मुझे करके दिखाएंगे, 278 का बेस 10 यानी कि ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है, और एक फिफ्थ वाला क्वेश्चंस और लिख लीजिए, ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 264, ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपको ऑक्टल में चेंज करना है, ठीक है, समझ आ गया, तो ये 5 सवाल अभी आपको मुझे होमवर्क में करके देने हैं, ओके, थैंक यू, जिसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है मेरे से पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं।